गुड मॉर्निंग सारिआं नूं, किवें हो सारे? होप सारे बहुत वधिया ते चढ़दी कला दे विच होंगे। इत्थे आपां करन लगे आं मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट अपना न्यू ब्लॉग दे नाल। ते आ देखो किवें तोता बनी हुई है। अज तां मैं पैरेट ग्रीन, आपां ना अज अर्ली थोड़ा जिहा नहा धो लए सीगे, मैं कहा चल नहा धो के किचन च जावांगे। हुण मैं करन लगी हुई आटा मैं गुन लिया, ब्रेकफास्ट दी रेडी। तो देखो किवें तोता बनी हुई है अज तां। प्लीज़ तुसीं हस्यो ना, नाइट सूट पाया हुआ है। तो बच्चे मना रहे ने संडे, कहिंदे ब्रेकफास्ट तो पहला ही असी क्रिकेट खेड लिए। दो लगे हुए ने तीनों जाने, है ना। वह बूजो आवाजा मार रहा है नवी नू भी आ जाओ मैनू लै जाओ, भी मेरी भी वॉक का टाइम हो गया। पर नवी कहिंदा भी बच्चे चल खेड रहे ने, भी कानू उहनू उह करना भी खोलना, है ना। तो बच्चे संडे सैलीब्रेट कर रहे ने। अज मसा हनीत नू छुट्टी हुई है, छुट्टी नू तां रोंदी ओ रहिंदी है। हुण इहने दो छुट्टियां कट लिया ना, सैटरडे दी ते संडे दी। तां हुण मंडे देखो किन्ना तंग करूगी जान लगे, है ना, बहुत तंग करती है। तो हुण लगे हुए ने भैन भरा खेडन। पहला ना गुरप्रताप इहदे नाल खेड नहीं रहा सी, ये थोड़ी जिही अज ठीक नहीं हैगी। तो इन्ना री री कर रही है, मम्मा मेरे नाल भीर जी खेडदा नहीं, मम्मा मेरे नाल भीर जी खेडदा नहीं हैगा। मैं कहा भी मैनू ना तंग करो, है ना, मैं तो होर काम बहुत करने ने। तो इतने टिंकू आ गया सीगा, टिंकू लग्या होया सी अप दे काम। टिंकू अज संडे आया सी, टिंकू कहिंदा चल दीदी मैं ऐ करदा भी एक दो सूट कटिंग कर जाना, फिर अपना काम छेती निबड़ जू। क्योंकि मैं इहनू कहा सी भी संडे ला जी, मेरा ये नहीं पता भी असी दिवाली दीआं सफाइयां शुरू कर लईए, है ना। तो जदों हुंदियां ने दिवाली दी सफाइयां दी गल, मैनू तां ना उदों ही ऐ रोने पिटने पै जांदे ने। मैनू तां बहुत डर लगता दिवाली दीआं सफाइयां तो, इन्ना डर लगता ना। मम्मी सगों का अज छेड़ ही रहे सी गल्लां, कहिंदे चलो कराणी तां चल बेबी आंटी ने मेरे नाल है, ऐं तां इक अमन कहिंदे सी इक कुड़ी होर रख लैंदे आ भी उह दिवाली दीआं सफाइयां करा दूगी, भी चल पैसे लै लूगी बेचारी, होर की है। तो पर मैनू ना जदों दिवाली दीआं सफाइयां दी गल आउंदी आ, मैनू तां इन्ना मतलब टेंशन हो जांदी, इन्नी बिफता पै जांदी है ना, बहुत डर लगता मैनू दिवाली दी सफाई तो। एक्चुअली मैनू ना एलर्जी बहुत छेती हुंदी है, जिहड़ी धूड़ मिट्टी का हुंदा है फिर वह मैनू तो हफ्ता मैं बैड चो नहीं उठ सकती हैगी, इन्ना जुखाम हो जाता फिर जो दिवाली दी सफाइयां। पर करनिया ने यह बहुत जरूरी हुंदियां ने, है ना, करनिया पैंदियां ने। मैनू वैसे चाह भी बहुत हुंदा, सब तो ज़्यादा चाह मैनू दिवाली का ही हुंदा, है ना, भी सफाइयां करते हैं। किन्ने त्यौहार आते हैं भी मज़ा आता भी, पूरे दो महीने त्यौहारों नाल ही हुंदा, है ना। मैनू अच्छा भी सब तो फेवरेट त्यौहार है मेरा, पर मैनू ना दिवाली दी सफाइयां बहुत औखा। मैं सगों कहता मैं भी रही सी मम्मी नू, मैं कहा मम्मी डब्बे डुब्बे अपने ना बहुत गंदे होए पए ने, भी करांगे, है ना, भी किचन करांगे। तो पहला नवी दे रूम तो असी स्टार्ट करांगे सफाइयां करनियां, फिर क्योंकि मैं नरात्यां च उपर लिया नरात्यां च करूँगी, है ना। तो डब्बे साफ करांगे सब तो पहला। मैं कहा मम्मी ऐतकी ना बाला खलारा नहीं पावांगे, जिवें अगे तो असी सारी किचन कढ के धोने आ। मैं कहा मम्मी ऐतके डब्बे डुब्बे सर्फ नाल साफ कर लाँगे, भी ऊ चल जालियां जूलियां ते पानी पूनी फेर लाँगे, है ना, भी इदा करांगे। फिर असी बुटीक करांगे नवी तो बाद, फिर किचन नू छेड़ांगे, क्योंकि किचन नू जदों छेड़ांगे ना फिर तो दो दिन कपस्ती है। फिर तो ये सोचो भी दो हफ्ते मैं उठ नहीं सकती हैगी बैड चो, इन्ना मतलब कम मंदा हुंदा, है ना, भी थक जांदा। ऑब्वियस मैं नहीं हैगी, सारियां भैणां दा ही है, बेचारियां दिवाली दीआं सफाइयां करदियां रहिंदियां ने, जद नूं दिवाली इक दिन आके लंघ भी जांदी है, है ना। तो आपां दिवाली दीआं सफाइयां ही करदे रह जांदे आ, है ना। तो चलो कोई ना, ये तो रीत बनी हुई है, आपां करनियां ने, क्योंकि कहिंदे दिवाली तो पहलां सफाइयां कीतियां ही घर च बरकत लैके आउंदियां ने। तो इत्थे मैं बना रही सीगी, मैनूं लगदा ब्रेकफास्ट रेडी। नवी कहिंदा सी वी परौंठे बना लो सिंपल, ते नाल उहदी पनीर दी भुर्जी बनाई सीगी। तो क्योंकि कोई ना, मैं क्या भी रोज़ रोज़ हैवी भी नहीं खाधा जाता हैगा, नवी भी आपां सिंपल परौंठे ते नाल पनीर दी भुर्जी कर लैंदे आ। वैसे अज मेरा दिल सीगा भी मूलियां वाले परौंठे बनावांगे, वह आया ही नहीं हैगा। जिहड़ा आपणे बाहर आउंदा हुंदा गट्टू है उहदा नाम, मतलब सब्जी बेचण आउंदा हुंदा हॉकर्स है, तो वह आया ही नहीं हैगा। तो फिर इस करके मैं मूलियां ले नहीं। अमन नूं मैं कहा सी वी लिया दो मूलियां, वह गए हुए ने लुधियाने, वह अज लुधियाने काम गए हुए ने, तो टीटू भीरे होना नाल, इस करके फिर उन्हां दा ब्रेकफास्ट अज है नहीं, असी उह आ करे। तो ऐ तां मम्मी उन्नी भी सवेरे गुरुद्वारा साहब गए हुए सीगे पर मुड़े आए सीगे टाइम नाल, तो आ के फिर असी बहुत लेट लंच ब्रेकफास्ट किया असी, तां मैनूं लगदा 12-1 बजे किया होगा जब मम्मी उन्नी मुड़ के आ गए सी उदों किया लंच। लंच कह लो चाहे ब्रेकफास्ट कह लो ब्रंच कह लो, भी दोनों बिच, है ना, बिच विचाला जिहा हो गया साडा, ना तां सानूं भुख लगी हो ना साडी भुख मिटी हो, मतलब इस इदां दा बिच विचाला जिहा हो गया।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਧੂੜ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਟਰਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿਟਰਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਮਨ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਅਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ, ਵੀ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸਫੂਈਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਟਿੰਕੂ ਤੋਂ ਸੂਟ, ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਟ ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀਦੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਟ ਟਿੰਕੂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾ ਟਿੰਕੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਲਓ ਹਲੇ ਤਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਐਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਐਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿੰਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਪਾਈ ਤਰਪੂਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸੀਨਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜਤੇ 'ਤੇ ਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਵੀ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਦੇ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖਿਓ ਹਨੀਤ ਅਜ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਮਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ 100 ਵਾਰ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਰੀਤ ਬਣੀ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਸੱਚਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਘਰੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਆ ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨਿਬੜੂ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਬੜਨ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਟੀਕ 'ਚ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬ ਚਲਾਈਏ ਆਹ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਵੀਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ,
मैं तुहानू ऐतके अपनी सारी डेकोरेशन दिखाऊंगी दिवाली ते जो मैं करूंगी, है ना। फिर मैं लाइट्स लानी हुंदी आ मंदिर दे विच, क्योंकि ऐतकी चलो असी बाहर लाइट्स नहीं लाउणियां हैगियां क्योंकि मासी जी पूरे होए करके, क्योंकि हले तो 3 महीने भी नहीं होए उन्होंने पूरियां नू, है ना, 3 या 3.5 महीने होए होने, तो असी लाइट्स तो बाहर पाउणियां नहीं हैगियां मासी जी करके। पर मैं अपने मंदिर च जरूर लाउणी लाउणी आ, वह भी एक बरकत करके ना मंदिर च लाइट्स लाऊंगी तो पूरा मंदिर डेकोरेट करूँगी। हुण तो बस शुरू हो जाना, मैं श्राद्ध खत्म होंदे सार मैं नरात्या तो शुरू हो जाना अपनी एमाजॉन तो शॉपिंग करन दिवाली दी, कदे कुछ मंगा लिया डेकोरेशन पीस, कदे कुछ मंगा लिया डेकोरेशन पीस, मतलब मेरा पूरा रूम मेरा मंदिर थोनू चम चम करता दिखूगा। मैनू क्रैकरस नाल, मैनू ये होंदा दिवाली क्रैकरस नाल नहीं हुंदी, दिवाली खुशियां दी हुंदी है और दिवाली चमक दी हुंदी है। थोड़े घर दे विच चमक आवे, थोड़े घर दे विच बरकत आवे, है ना। बच्चों नू चलो चा हुंदा अमन बच्चे तो लियाउंदे ने क्रैकरस, ये तो पूरा फुल ऑन इंजॉय करते हैं चलाउंदे ने, मैं नहीं चलाउंदी, मैनू नहीं इन्ना शौक हैगा। पर मैं इन्हां कोल उपर असी मैं मम्मी चले जाने हुंदे आ टैरिस ते, पर मैनू नहीं इन्ना शौक हैगा, पर बच्चों नू हैगा, ये करी जांदे ने। मैं पर अपनी पूजा करके जिवें मैं पूजा दा वी मुहूर्त हुंदा मेरा वह कढ के करके, है ना, पूजा फिर इन्हां नू कहिंदे हुंदे आ वी हुण तुहानू छुट्टी आ, हुण तुसीं कर लो जो करना। तो पर मैं अपना पूरा पाठ पूजा करके, मम्मी असी ए किचन च हटड़ी भी भरते हाँ, बाबा जी का भी मत्था टेकते हैं, कल यही दिवाली का करते हैं, क्योंकि अपने सिखा का भी त्यौहार है। ये मैं पता है 52 राजिया छड़वाया सीगा बाबा जी ने, तो वह भी असी हटड़ी भी भरते हाँ, असी किचन के थले रख के हटड़ी भरते हाँ, उत्थे मत्था टेकते हैं, फिर वो हटड़ी के पैसे हनीत नू मिलते हैं, क्योंकि साड़ी कंजक तो उही है, साड़ी कन्या तो घर की उही है, है ना। तो उपर मैं अपना पूरा अपने मंदिर वांग कर दी हाँ, जिमें जो मेरा मत्था टेकना है, जो मेरी लक्ष्मी माता दे मूहरे रखना है, जो मैंने लक्ष्मी माता नू पूजना है ना, उपर मैं उवें कर दी हाँ। थले असी हटड़ी मत्था टेकते हैं, बाबा जी का मत्था टेकते हैं किचन दे विच, ते ऐं हुंदा है हर एक, क्योंकि देखो धर्म सेम ने, कोई नहीं हैगा, सिर्फ कहिंदे पाठ, कोई पाठ करदा है, कोई रामायण पढ़ता है, मतलब उहदा मतलब ते अर्थ तो एक है ना, जोड़ते तो रब नाल ही ने, मतलब वो चीज़ मैटर नहीं करती, सारा कुछ। चलो अपनी होंद नहीं भुलनी चाहिए, अपना विरसा हुण असी 10वीं ते मत्था टेकन जाने आ, असी अपनी होंद नहीं भुलदे हैगे, मैं अपनी होंद नहीं भुलदी, क्योंकि वह साढ़े लिए सब तो पहला ने जिहड़े साढ़े बाबा जी ने, ठीक है, वह सब पहला ने। पर ये जिथे मैनू खुशी मिलती है जो चीज़ करन च, वह भी करनी चाहिए है, क्योंकि रब उत्थे मिलदा जिथे आप खुश होइए, है ना। चलो हूँ आप लैक्चर नहीं करते, तुम कहोगे हर वीडियो लैक्चर देने लग जाती है, तो फन करांगे। ऐ हूँ आप बस दिवाली का सीजन शुरू है, थोनू करवा चौथ दिखाऊंगी, मतलब हूँ फेस्टिवल शुरू ने। मैं ना मनप्रीत दीदी भी कहनी हूँ, मैं क्या दीदी भी पता नहीं है ना श्राद्धा के जोड़े दिन होंगे ने, मैं बहुत सैड फील हों, मेरी ना नेचर ही इदा की है, मैं बहुत सैड सैड जहा फील हों, और जदों नराते चढ़ते ने, मतलब मैं ऐ लगन लग जाता जिमें मतलब किदा का इनवायरमेंट हो गया, है ना, भी त्यौहार ही त्यौहार, है ना, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ, मतलब मैनू तो बस पता नहीं, ये एक वाइब्रेशन है अपने आप नू दित्ती जांदी है भी हुण खुशियाँ शुरू ने, है ना। वो चीज़ फिर मैं उमें ही लैके बस, फिर मैं इन्ना चार चढ़ता हुंदा, फिर मैं नवी नवी चीज़ा लैके आनी हुंनी हाँ, फिर मैं नवी नवी डेकोरेशन पीसिस, सगो अमन कहिंदे ने मैनू तां खर्चा खड़ा कर दिंदी हाँ, पर चलो मैं लियाउंदी चाहे छोटा छोटा, मतलब बड़ा एक्सपेंसिव कुछ नहीं लियाउंदी हैगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ लैके आनी हाँ, पर वह चीज़ा इंजॉय कर, मतलब इंजॉय कर दी, निक्की निक्की खुशी च मैं इंजॉयमेंट लभदी हाँ। आ ना अमन लियाए सीगे एक तेल, अमन ने तुसी देखिया होना पहला गुरप्रताप दे लाया है, तो अमन दे ना मुछां दे विचों कहिंदे जिथे जड़ां ने थोड़े, है ना, उत्थे लाओ भी मुछां दा थोड़ा जिहा जिवें ग्रोथ भरमी होजूगी। गुरप्रताप दे जिहड़े पिछे गंज पई हुई है, वह कहिंदे भी उहदे भी ला के देखो भी हेयरस आ जाणगे। एक अमन दे भी आ साइड ते है, ये अमन दे बॉर्न मार्क ही है, ये शुरू तो ही है, ये कोई कीड़ा नहीं लग्या हुआ, कुछ नहीं, पता नहीं ये की है, ये अमन दे शुरू तो ही है। उत्थे भी असीं ट्राई करदे हां भी ला के देखदे हां भी की पता अमन दे हेयरस आ जाण, ज़्यादा तो चलो अमन की तो जिंदगी लंघ गई, अमन का तो विआह हो गया, गुरप्रताप का मैनू ज़्यादा भी गुरप्रताप के पिछे हेयरस आ जाए। फिर अमन कहते भी जे ये ना ठीक होया तो फिर आप टी इंजैक्शन तो लवावे। आ देखो टाइम चेक करो तुसी की होया, 10:30 रात के बजे हुए ने 11:15, और इन्होंने मेरे तो मैगी बनवाई है, ये हनीत दे काम ने, कहती हूनी मैगी बना के दो, मैं तो खानी है हूनी मैगी बना के दो। देखो उही गल आ गई, फिर मां बना के दिती, कोई होर होवे कदे ना बना के दे, भी मैं नहीं बना के दी, मैं पै गई। एक पता की सारी दिहाड़ी कम करके जो बंदा थकदा ना रात नू
ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਿਆਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਨਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਗੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਗੀ ਆ ਗਈ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ